अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो भाई हमने आज अपनी कीती कराई के ऊपर पानी फेरा है। हर बंदा इस बात से तफाक करेगा कि भाई जब आपकी जो फ्रंट लाइन गेंदबाज हैं, जिनके ऊपर ज्यादा इनसार किया जाता है कि भाई आपको शाहीन विकेट दिला के देगा, आपको हर 100 विकेट दिला के देगा, तो उन बंदों ने तो काम किया। लेकिन बीच में क्या है, सारा कोटा खाली है। नवाज साहब, शादाब साहब, विकेट तो आपने पार्टनरशिप तोड़नी थी। आप मिडल ओवर के जो आप गेंदबाज हैं, सारी जिम्मेदारी जब आपके ऊपर आती है तो आपका काम था ना विकेट निकालना। क्यों नहीं विकेट निकाली? लाइन लेंथ भूल गए हैं और इंडिया उधर चार फास्ट बॉलर डाल के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने बहुत तगड़ी गेंदबाजी की, बहुत तगड़ी। इवन शाहीन, नसीम, हर शोक भी यहां पर क्रेडिट देना चाहिए, बहुत बेहतरीन स्पेलर। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर यहां पर तो भाई सारा बेड़ा गर्क हुआ है। हमारे फास्ट बॉलर्स ने हेल्प ही नहीं किया है, जो स्पेशल स्पिनर्स हैं फास्ट बॉलर्स, इन्होंने हेल्प ही नहीं किया है। हार्दिक पांड्या और किशन भाई, ईशान किशन 138 की पार्टनरशिप करी ऐड करके चले गए और फिर एंड पे आकर उनको रोका भी तो शाहीन शाह आफरीदी रोक रहे हैं। ये हालत है भाई, हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट है इसको क्या हो गया? अब जो टारगेट सेट हो चुका है, क्या पाकिस्तान इसको चेज कर पाएगा? करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। ये रियलिटी जनाब, हमने चौक की है। हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसने बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दिखाई। तवक्को नहीं कर रहे थे कि शादाब और नवाज कैसी गेंदबाजी होगी, हालांकि भाई उनको यहां पर विकेट निकालनी चाहिए थी, जो कि मेन बात है, विकेट निकालनी चाहिए थी। अगर पार्टनरशिप क्रिएट ना हो तो शायद इंडिया 200 से पार भी नहीं जाता। अपडेट से चले गए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब प्लीज कर देना।